स्टूडेंट वेलकम टू सेकंड थ्योरी। स्टूडेंट पिछली वीडियो हमने आपको बताया था ना एक बार बैक एंड फ्रंट एंड के बारे में, जो कि M2R5 यानी वेब डिजाइनिंग और पॉलिसिंग का चैप्टर था। वहाँ पे हमने बैक एंड और फ्रंट एंड आपको बताया था। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको डिफरेंस ये डेफिनेटली पक्का है। यहाँ पे आपको बैक एंड फ्रंट की फ्रंट एंड की डिफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, उस पूछा जाएगा जो उसका डिफरेंस बिटवीन बैक एंड एंड फ्रंट एंड के बारे में डिफरेंस लिखने को ज़रूर आएगा, ये आप सोच लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बैक एंड एंड फ्रंट एंड। हालांकि मैंने आपको बैक एंड एंड डिफरेंट बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर करा दिया था पहले, अगर आप ना चाहो तो ठीक है, मैंने सोचा चलो डिफरेंस भी बता देता हूँ इसके क्या होते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, आपको मैं एक एक हेडिंग बताऊंगा, फिर भी कोई आपको डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई हेडिंग कोई आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप तुरंत मुझ पर कमेंट करें, मैं तुरंत उस टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मैं हर टॉपिक क्लियर कराने की अपने अंदर कैपेसिटी रखता हूँ अच्छे ढंग से। ठीक है, तो आपका फ़र्ज है बताना समझाना कि सर आप इस टॉपिक बता दीजिए, मैं बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, आपको कहना पड़ेगा। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, क्योंकि एग्ज़ाम भी जुलाई में आने वाला है। इससे पहले हम पढ़ते हैं बैक एंड फ्रंट एंड होता क्या है। आगे मैंने पिछले आपको बताया था कि बैक एंड जो फ्रंट एंड होता है वो यूजर देख नहीं सकता, सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया, फ्रंट एंड वो यूजर देख सकता है। तो जो बैक एंड होता है, फ्रंट का मतलब क्या होता है, अच्छा आप सोचो, फ्रंट जो होता है ना जो हमारा यहीं से सामने का होता है वो हमारा फ्रंट होता है, और जिसका बैक का होता है वो होता है बैक होता है। तो फ्रंट का तो हम देख सकते हैं ना, बैक का हम देख नहीं सकते। ठीक है, बैग तो किसी को, आप भी अपनी बैग क्या देख पाते, जब बैग है जब पीठ बोलते हैं तो क्या उसे आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, आप केवल सामने का ही देख सकते हैं। तो वही से बताया गया है कि फ्रंट एंड जो होता है उसको हम यूज़र ब्राउज़र पर देख सकता है, फ्रंट एंड को यूज़र ब्राउज़र पर देख सकता है, लेकिन बैक एंड को यूज़र देख नहीं सकता। आप सोचो यार सब बोल क्या रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड यूज़र नहीं देख सकता क्या ब्राउज़र पे। आपने कोई वेबसाइट खोली, ठीक है, आप उस वेबसाइट का कंटेंट आपके सामने खोल के आएगा, आप केवल उस वेबसाइट का कंटेंट ही पढ़ेंगे, लेकिन जो उसके पीछे जो कोडिंग की हुई है तो क्या आपको वो दिखाई देती है, उसे आप पढ़ेंगे क्या। समझ में आई मेरी बात आपको। आपने यार दूध जलाकर मिठाई बनाई मेरे भाई, तो आपको मिठाई ही दिखेगी, उसके अंदर दूध कहाँ था, वो जल गया, वो जा चुका, लेकिन उसके अंदर अक्स है, अगर दूध ना होता तो मिठाई ना बनती, भले ही दूध जल गया हो लेकिन बना वो दूध से ही है। हमें दिखाई दे रही है मिठाई कि हमें पेड़ा दिखाई दे रहा है, बर्फी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अंदर जो वो जल चुका है, जो उसके अंदर जिसके तौर पर बनाया गया है वो दिखाई नहीं देगा। तो जो दिखाई देता है वो हमारा बैकिंग होता है, जो वेबसाइट हमारे ब्राउज़र पर देख सकते हैं वो हम बैकिंग कहते हैं, जो उसके पीछे कोडिंग होती है जिसको हम करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। तो वहाँ भी ये एक पहला नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि फ्रंट एंड को यूज़र ब्राउज़र पर देख सकता है लेकिन बैक एंड को यूज़र ब्राउज़र पर देख नहीं सकता। क्लियर हो गया, आशा करता भाई इससे ज़्यादा आसान कोई बना नहीं चाहिए। और जो फ्रंट एंड होता है भैया वो क्लाइंट साइड होता है, ठीक है, इसमें क्लाइंट यूज़र ही काम करता है, फ्रंट एंड में यूज़र ही इसको देखते यूज़र द्वारा ही इंटरेक्ट होता है, लेकिन जो बैक एंड होता है ये सर्वर साइड होता है। ठीक है, सर्वर पर कोडिंग पूरी अपलोड कर दी, आपने कोई कोडिंग लिखी किसी चीज़ की उसको अपने सर्वर पर अपलोड कर दी, इसके बाद ही आपको कंटेंट आपको यूज़र तक पहुंचता है, यूज़र को दिखाई देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये फ्रंट एंड क्लाइंट साइड होता है और बैक एंड सर्वर साइड होता है। ठीक है, आपको क्लाइंट सर्वर बताने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सब बता दिया था क्लाइंट सर्वर क्या होता है। ठीक है, फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो बता देना सर, मैं बता दूंगा अभी। नेक्स्ट है, फ्रंट एंड से केवल हम वेबसाइट को देख सकते हैं, बात वही हुई ना, वेबसाइट में आ गए ना हम, बैक एंड से हम वेबसाइट को अपडेट और चेंज कर सकते हैं। फ्रंट एंड से कहा आप केवल ब्राउज़र पर वेबसाइट को देख ही सकते हैं, जो मैंने पहले नंबर लिखा था, इसे यूज़र केवल ब्राउज़र पर देख सकता है, वही बात है, फ्रंट एंड से हम केवल वेबसाइट को देख सकते हैं, लेकिन बैक एंड से भैया जब उसकी कोडिंग है, अगर हम बैक एंड पे जाएंगे उसकी कोडिंग पे, तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे हम बदलाव कर सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। वो लास्ट वाला पॉइंट है, फ्रंट एंड ब्राउज़र से संबंधित होता है, जाहिर सी बात है फ्रंट एंड की बात करें तो ब्राउज़र होगा तभी हमें फ्रंट एंड दिखेगा, बिना ब्राउज़र के हमें फ्रंट एंड नहीं दिखेगा, लेकिन जो हमारा बैक एंड होता है भैया वो होता है डेटाबेस। अब आप इस पर क्वेश्चन मत करना कि सर डेटाबेस से संबंधित क्या होता है,
क्योंकि जो हमारा बैकएंड होता है वो डेटाबेस से संबंधित होता है, जितना सारा डेटाबेस होता है वो सब बैकएंड में ही आता है, वहीं से अपलोड किया जाता है, तभी आप ब्राउज़र पे उसको देखते हैं। तो ये हमने 4 पॉइंट बहुत सटीक लिखे हैं, आप कहीं भी एग्जाम लिख देंगे हिंदी से ना, एग्जाम लगा कभी काट नहीं सकता है ऐसे पॉइंट। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, और आप कमेंट किया करिए यार, फीडबैक दिया करिए, अच्छा लगता है। ठीक है, और एग्जाम तक मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा, बस आप जुड़े रहें मेरे साथ और अपने टॉपिक में मुझे शेयर करते रहें। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो मेरा व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक ग्रुप का लिंक है मेरे यहाँ पे, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी जाके एक बार जरूर जुड़, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, और मैं हर प्लेलिस्ट की नीचे लिंक दिया हुआ हूँ चारों मॉड्यूल की, तो आप वहाँ पर जो भी आपको नीचे लिंक में क्लिक करके जो भी आपको प्ले लिस्ट में जाना हो तो वहाँ से क्लिक करके पहुँच के आप पढ़ लिया करिए। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस सेट भी बना रखे हैं, हर मॉड्यूल का मैंने प्रैक्टिस सेट थ्योरी मैंने दोनों बना के रखे हैं, तो आप दोनों पे जाके कोई भी चॉइस अपने चॉइस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।